बड़ी खबर आ रही है वो खाड़ी देश कतर से आई है और कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। तो कतर ने 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। कतर की जेल में बंद थे ये 8 भारतीय। कतर की कंपनी में काम करते थे ये 8 पूर्व नौसैनिक। कतर की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी और कथित जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में वहां की अदालत ने सजा कम कर दी थी। 8 में से 7 भारतीय वापस वतन लौट आए हैं। भारत सरकार ने कतर सरकार के इस फैसले की तारीफ। बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडन्ट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार। दोस्तों लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज ने रिलीज कर दिया। जय हिंद दोस्तों आज से कुछ साल पहले कतर सरकार ने 8 इंडियन नेवी को कैद कर लिया था और उस 8 इंडियन नेवी को इसराइल के जासूस बता करके फांसी का सजा भी सुना दिया था। जब इस बात को भारतीय सरकार को पता चला तो भारतीय सरकार ने कतर सरकार से बात छेड़ दिया। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर के भारतीय सरकार और कतर सरकार के बीच बहुत दिनों तक विवाद चली। इन्हीं 8 इंडियन नेवी की वजह से भारतीय सरकार ने कतर के ऊपर इतना सीरियस हो गया जिसके बदौलत कतर सरकार को लास्ट में 8 इंडियन नेवी को रिहा करना पड़ा। और फाइनली दोस्तों आज 8 इंडियन नेवी में से 7 घर वापसी इंडिया कर चुके हैं, तो वहीं 1 इंडियन नेवी वहां रह गए हैं और उनको ही भारतीय सरकार ने कुछ ही दिनों बाद ला देंगे क्योंकि किसी कारणवश वहां उनको रोक दिया गया है। दोस्तों जब 7 इंडियन नेवी ने भारत लौटते हैं तब उसी टाइम ही भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जयकारा लगाते हुए वंदे मातरम और भारत माता की जय भी बोलते हैं। दोस्तों ये तो बात सच है कि जब से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत में प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं तब से भारत में नामुमकिन चीज का कोई नाम ही नहीं रहेगा। बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडन्ट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार। इंडिया हिप 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 हुर्रे हिप हिप हुर्रे भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज ने रिलीज कर दिया। और ये जारी बात है, आपको पता है कि 2022 से जो थे वो जेल में थे और इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो बड़े सीरियस थे और इनको डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी और ऑन द चार्जेस ऑफ एस्पिनेज। ये एक दैट वाज नॉट समथिंग वेरी, जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छी नहीं थी इंडियंस के लिए, लेकिन इसके ऊपर बड़ी पहले भी हमने ये बात की थी कि जो नरेंद्र मोदी है ही कैन मेक इट। और जो रिसेंटली मोदी साहब की उधर मुलाकात हुई COP28 पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर अबू धाबी में, वहाँ पे भी या दुबई में आई थिंक हुआ था, तो वहाँ पे भी यही
जो मेजर डिस्कशन हुई थी। याद रखिए कि कतर और इंडिया के जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन 19 बिलियन डॉलर के करीब है, जिसमें जो इंडिया की इम्पोर्ट्स हैं फ्रॉम कतर दे आर अबाउट 17 बिलियन डॉलर और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 2 अरब डॉलर के करीब हैं। लार्जली इट्स एन LNG, LPG, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम वगैरह जो है वो कतर एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये जो डिपेंडेंस है। जो बड़ी खबर आ रही है वो खाड़ी देश कतर से आई है और कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। तो कतर ने 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। कतर की जेल में बंद थे ये 8 भारतीय, कतर की कंपनी में काम करते थे ये 8 पूर्व नौसैनिक। कतर की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी और कथित जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में वहां की अदालत ने सजा कम कर दी थी। 8 में से 7 भारतीय वापस वतन लौट आए हैं। भारत सरकार ने कतर सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। तो एक बड़ी कूटनीतिक जीत भारत सरकार की, और ऐसे में वो 8 भारतीय जो जेल में बंद थे कतर में, उन्हें रिहा कर दिया गया है और ये भारत की कूटनीतिक जीत है। और ऐसे में अब एक एक करके वो भारतीय वापस लौट चुके हैं, 7 वापस आ चुके हैं, 1 का आना भी बाकी है। तो कतर में जिस तरह से ये 8 पूर्व नौसैनिक कर्मी जिन्हें जेल में बंद किया गया था कथित जासूसी के मामले में, और ऐसे में लगातार भारत सरकार जो है यहां पर अपील की जा रही थी कतर से, और ऐसे में जो मौत की सजा है वो कम कर दी गई थी और फिलहाल वो जेल में ही थे बंद। लेकिन जिस तरह से कूटनीतिक यहां पर लड़ाई यहां पर नजर आई है भारत सरकार की, कतर की अदालत ने यहां पर देखिए 26 अक्टूबर 2023 का मामला, अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, यानी पिछले साल का ये मामला है। सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील स्वीकार कर ली गई थी। किस तरह से एक एक करके दिन पर दिन ये मामला किस तरह से आगे बढ़ रहा था, लगातार भारत सरकार संपर्क बनाए हुए थे। 1 दिसंबर को पीएम मोदी कतर के अमीर हमाद से मिले थे, तो 3 दिसंबर की बात करें तो कानूनी मदद के लिए काउंसलर एक्सेस मिला था। 28 दिसंबर को कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। 12 फरवरी 8 भारतीय कतर की जेल से रिहाई, एक बड़ी कूटनीतिक जीत। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कतर में जो 8 भारतीय जिन्हें जेल में बंद कर दिया गया था उनकी रिहाई अब हो गई है, वो अब भारत वापस लौट आए हैं। 8 में से 7 वापस लौट आ पाए।